नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए जिला स्तर के नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अम्बेडकर चौक में धरना देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कुछ कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल राजभवन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर धरना प्रदर्शन का समापन किया। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अम्बेडकर प्रतिमा के पास धरना दिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। इस पर केंद्र सरकार का किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं है। आज पूरे देश में इस मुद्दे पर कांग्रेस विरोध कर रही है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हम जितना जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, हमें उतना परेशान किया जाता है, मगर हम डरने और पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। आज खाद्य पदार्थों में GST लगा दी गई है। अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य अधर में है। हम राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे।